Hello everyone, I'm Saveri and I'm your mentor for your UGC NET Economics exam. I have done my graduation from SRCC in Economics, Masters from CES PJNU, and for the past 1 year I've been working with Indian Statistical Institute as a researcher associate, which is where I realized my passion for economics, teaching, and I joined AJC. And I have a very important announcement to make for you guys that we have come up with our economic course as well. For UGC NET and for paper 2 economics, the course is for 5500, and for paper 1 and paper 2 combined, the course is for 6500. You will get videos and PDFs to read from, and you'll get mock tests, and you'll get a very nice question bank with explanation for each and every subject. You will also get a doubt clearance session with me whenever you require that. And to know more on this course, you could reach out to us at 9999466225, or you could contact us at anujinder.pin. So in this particular video, we are going to cover our international economic part, and we are going to do some MCQ questions with concepts. और हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो हम यूजुअली करते हैं कि हम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि हमें सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं पे रिवाइज हो जाए. ऑल्सो इन द एंड ऑफ द वीडियो आई हैव अटैच्ड वन सेक्शन जहाँ पे आप इकोनॉमिस्ट के जो नाम है वो सब रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू लूज मार्क्स जस्ट बिकॉज की एग्जाम में आप इकोनॉमिस्ट के नाम आपको याद नहीं आए एंड यू वर नॉट एबल टू डू दोज वेरी इजी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वो बहुत ही अच्छे ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं और उसका भी टेक केयर हम इसी वीडियो में कर लेंगे. सो बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, इफ प्रोटेक्शन इज गिवन टू अ स्मॉल इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री, अ कंज्यूमर सरप्लस एंड डोमेस्टिक प्रॉफिट्स विल रिस्पेक्टिवली increase and increase, B part is decrease and decrease, C part is increase and decrease, and D part is decrease and increase. Kindly let me know in the chat box what do you think is the correct answer and we'll learn the concept together. तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ से भी कर सकते हैं. उसके चार पार्ट रहते हैं जब भी कोई कंट्री टैरिफ इम्पोज करता है. फर्स्ट इज योर कंजम्पशन इफेक्ट, दैट इज द रिडक्शन इन योर डोमेस्टिक कंजम्पशन. जब इम्पोर्ट्स फॉल करेंगे, आप टैरिफ लगाते हो तो आपके इम्पोर्ट्स फॉल करेंगे, और यू कुड इम्पोज अ लॉट ऑफ टैरिफ, उससे क्या होगा, इम्पोर्ट जीरो भी हो सकते हैं. उससे कंजम्पशन पे इफेक्ट होगा कि सप्लाई कम हो जाएगी. व्हेन द सप्लाई फॉल्स, जो आपकी कंजम्पशन है डोमेस्टिक कंजम्पशन, दैट इज गोइंग टू फॉल डाउन, और वो इफेक्ट जो होता है टैरिफ का, दैट इज नोन एज कंजम्पशन इफेक्ट. नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन इफेक्ट. प्रोडक्शन इफेक्ट मीन्स द एक्सपेंशन इन योर डोमेस्टिक प्रोडक्शन. जब आप इम्पोर्ट पे टैरिफ लगाएंगे तो इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे एंड इट विल गिव अ बम्प फॉर योर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जहां पे आप इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, और योर डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल एक्चुअली इंक्रीज विद टैरिफ. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज प्रोडक्शन इफेक्ट. नेक्स्ट इज योर ट्रेड इफेक्ट, दैट इज the decline in the imports. So this also happens with your tariff, कि जो imports हो जाते हैं वो fall कर जाते हैं. Next is your revenue effect. Revenue effect is the revenue collected by your government. When you are imposing a tariff, तो जिसको भी अपने imports को हमारे country में ship करना है तो वो क्या करेगा, उसको कुछ रिवेन्यू देना, उसको कुछ टैरिफ देना होगा हमारी गवर्नमेंट को. उससे क्या होगा, हमारे जो गवर्नमेंट रिवेन्यू है वो इंक्रीज करना है, जिसको इंपोर्ट करना ही करना है. एंड फॉर विच इट इज नॉट अ बिग डील टू पे सम टैरिफ टू आर इंडियन गवर्नमेंट, तो उसको जो आप गवर्नमेंट है आप उसको थोड़ा सा रिवेन्यू पे करेंगे, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर टैरिफ. सो दैट पर्टिकुलर थिंग विल इंक्रीज योर गवर्नमेंट रिवेन्यू, और एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट रिवेन्यू है इज गोइंग टू हेल्प योर इकोनॉमी इन वन वे और अनदर. सो यहाँ पे जो ये दो ग्राफ्स हैं, ग्राफ 1 रिप्रेजेंट्स योर फॉल इन द कंज्यूमर सरप्लस एंड ग्राफ 2 रिप्रेजेंट योर इंक्रीज इन द प्रोड्यूसर सरप्लस. क्या होता है, जब आप इंपोर्ट टैरिफ लगाते हैं
तब जो आपके प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन टाइप ये जो एरिया है दैट इज द फॉल इन योर कंज्यूमर सरप्लस एंड दिस पर्टिकुलर एरिया विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ योर इंपोर्ट्स क्या हो रहा है आपका प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज कर रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज करने की वजह से जो प्रॉफिट्स हैं दे विल ऑल्सो इंक्रीज सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ यू नो द कंज्यूमर सरप्लस विल decrease and your domestic profits will increase. So the D part is your correct answer and I hope you have been answering in the chat box and we'll do question number 2. Which of the following listed statements are not a criticism of comparative theory? So A part is relied too much on technology's role. B part is unrealistic assumption of the constant cost. C part is full employment assumption is unrealistic and B part is none of the above. Comparative advantage की एक बार theory को देख लेते हैं. It was given by David Ricardo. So economist का नाम भी ध्यान रखेंगे हम कि it was given by David Ricardo. और उनके हिसाब से जिस भी country के पास एक particular commodity को produce करने के लिए they have comparative advantage, वो country उसी good को शिप करेगी दूसरी कंट्री में उसी चीज का एक्सपोर्ट करेगी दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ द डिफरेंस इन द ऑर्डर टू मेक देमसेल्फ बेटर ऑफ तो जो भी आपके डिफरेंसेस रहेंगे कंट्रीज के बीच में उसको कंपैरेटिव एडवांटेज के तरीके से हम लेंगे इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव टर्म्स और उसको लेके वी आर कंसिडरिंग कि कौन सी कंट्री कौन सी चीज का एक्सपोर्ट करेगी पर इस जो थ्योरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस कर लेते हैं जिसपे हमारा क्वेश्चन बेस्ड है सो फर्स्ट इज योर अनरियलिस्टिक अजम्पशन अबाउट द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू नेक्स्ट पार्ट इज स्टेट्स अजम्पशंस ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस तो उनके हिसाब से जो भी कैप जो आपके कोई भी आप गुड प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अंदर जो भी आपके एंडाउमेंट्स जा रहे हैं आपके कैपिटल के या लेबर के वो सब फिक्स्ड है नेक्स्ट इज योर अनरियलिस्टिक अजम्पशन अबाउट कॉन्स्टेंट कॉस्ट नेक्स्ट इज टू क्रॉस टू बाय टू इकोनॉमी मतलब जिसके अंदर यू आर टू कंट्रीज एंड यू आर प्रोड्यूसिंग टू गुड्स ये एक अनरियलिस्टिक मॉडल है रियल वर्ल्ड में ऐसा मॉडल कभी भी काम नहीं करेगा बिकॉज यू हैव एन नंबर ऑफ कंट्रीज एंड यू हैव एन नंबर ऑफ गुड्स तो इस पर्टिकुलर कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी को प्रैक्टिकली यूज करना इज वेरी इम्प्रैक्टिकल सो नेक्स्ट अजम्पशन इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन अबाउट फ्री ट्रेड सो ये जो फ्री ट्रेड की अजम्पशन है दिस इज प्रॉब्ली नॉट करेक्ट फॉर टूडेज वर्ल्ड जब when we are becoming more and more inclined towards free trade agreement फिर भी हमारे जो कुछ ना कुछ countries के साथ free trade नहीं करते हैं हम या किस कुछ countries ऐसी है जिनके साथ हम बिल्कुल भी trade नहीं करना चाहते because of our diplomatic reasons उसके उस scenario में if you are considering something कि हम given ही लेके चल रहे हैं कि free trade agreement है सारे countries के बीच में that is a unrealistic assumption next is neglects the role of technology so this particular theory neglects the role of technology क्योंकि ये कहीं पे भी बात नहीं करता कि जो technologically progressive country है वो किसी और चीज में भी export या import कर सकती है for example your east asian nation उनके पास technology बहुत ज्यादा है and they are not actually considering कि उनका comparative advantage क्या है नेक्स्ट इज योर अनरियलिस्टिक अजम्पशन अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट तो ये भी कहते हैं जो भी रिसोर्सेज हैं हमारी इकोनॉमी में दे आर फुली एम्प्लॉयड ऑन योर कंपैरेटिव एडवांटेज एनालिसिस जब भी आप कंपैरेटिव एडवांटेज का एनालिसिस कर रहे हो फुल एम्प्लॉयमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है इंडिया को ही देख सकते हैं वी हैव अ लॉट ऑफ अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज सो दिस पर्टिकुलर थ्योरी वुड नॉट वर्क फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया So coming back to your question, now you know the A part is correct because this particular theory actually did not give enough advantage to technology. So agar aap ye kahenge ki rely too much on technology, that is wrong. So this A part is the correct answer. I hope you have been answering in the chat box and we'll do the next question. Question number 3, it says, which of the following system lies somewhere between your fixed and floating exchange rate A part is adjustable peg system B part is crawling peg system
C part is manage floating system and D part is all of the above. So kindly let me know in the chat box what do you think is the correct answer. आपको उस आंसर को करेक्ट करना है जो कि एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के बीच में कहीं ऐसा सिस्टम लाई करता है. सो वील लर्न द मैनेज फ्लोट फर्स्ट. जो मैनेज फ्लोट है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द एक्सचेंज रेट इज अलाउड टू फ्लक्चुएट ऑन अ ओपन मार्केट बट द सेंट्रल बैंक लाइक RBI कैन इंटरवीन टू कीप इट विद इन अ सर्टन रेंज. तो मैनेज फ्लोट को हम डर्टी फ्लोट भी कहते हैं. डर्टी फ्लोट या मैनेज फ्लोट से मतलब है कि RBI उसको फ्लक्चुएट तो होने देता है एक्सचेंज रेट को डे बाय डे बेसिस पर, लेकिन उसकी एक अपर लिमिट है और एक लोअर लिमिट है. जब भी ये इससे अलग जाएंगे वो इंटरवीन करेगा जब भी उसको नीड एंड केस बेसिस पे जब भी जरूरत लगेगी RBI को इंटरवीन करने के लिए. सो दे विल टेक केयर ऑफ द एनी इम्बैलेंस दे थिंक इज इन द मार्केट. नेक्स्ट इज योर क्रॉलिंग पेग. दैट इज द बैंड ऑफ रेट दैट फिक्स्ड रेट एक्सचेंज इज अलाउड टू फ्लक्चुएट. तो यहाँ पे एक तो फिक्स्ड रेट है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है एंड इट इज बिटवीन अ बैंड ऑफ रेट्स. जैसे मैनेज फ्लोटिंग में आप फ्लेक्सिबल ले रहे थे, यहाँ क्रॉलिंग पेग में यू आर टेकिंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. इन मैनेज फ्लोट यू आर टेकिंग अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. नेक्स्ट इज योर एडजस्टेबल प्लग. एन एडजस्टेबल पेग इज अ एक्सचेंज रेट पॉलिसी इन विच द करेंसी इज पेग्ड और फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू अ मेजर करेंसी लाइक US डॉलर्स. अगर हम इंडियन करेंसी को पैक कर दें कि US डॉलर से और जब वो फ्लक्चुएट करेगी वी एक्चुअली चेंज आर एक्सचेंज रेट, दैट पर्टिकुलर पैग इज नोन एज एडजस्टेबल पैग सिस्टम. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो ऑल थ्री ऑफ दीज आर समवेयर बिटवीन योर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड योर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि कोई भी परफेक्ट फ्लोटिंग या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं है. Now the correct answer is D and I hope you have been answering in the chat box and we'll do next question. Question number 4 which says which of the following does not form a part of your foreign exchange reserve of India. A part is gold, B part is SDRs, C part is foreign currency assets and D part is foreign currency and security held by bank and corporate bodies. So let's discuss the parts of forex reserve for India. Foreign currency assets are a part of that. Gold is the part of that. Special drawing rights, SDRs are a part of this. And reserve tranche position is also a part of this. So hume ye pata chal gaya jo hamara D part hai is actually not a part of your forex. Also, ये एक news headline थी कि as of September 18, India's forex exchange is 541.67 billion. So this is a very huge quantity and the article said कि हम इस foreign reserve से भी हम अपनी infrastructure development कर सकते हैं. This is something we should think about. But there is another side. ये forex important इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी country को stability देता है in a world मार्केट. तो अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा, फॉरेक्स नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा इंस्टेबल या आप ये कह सकते हैं फ्लक्चुएट कर सकती है हमारी इकोनॉमी बिकॉज वी आर सो प्रोन टू वट एवर हैपनिंग इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो दैट डी इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप दैट यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स एंड विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ ही में हम सारे अपने जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके सबके नाम रिवाइज कर लेंगे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट मैच्ड करेक्टली. ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड विद टॉसिन. बी पार्ट इज परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी विद J.S. मिल. सी पार्ट इज ऑफर कर्व्स. डी पार्ट विच इज मैच्ड विद A. मार्शल. D part is factor endowment model which is related to your Hikshar-Olin and you need to tell me in the chat box what do you think is the correct answer and we'll discuss the concepts. So, हम अपने सारे economists, सारी theory और international economics से जितने major concepts है revise कर लेते हैं. So, first is your absolute cost advantage theory that was given by Adam Smith. वो ये कहते हैं जिस भी country के पास absolute advantage होगी cost की वो country को उसी चीज को एक्सपोर्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया जैसी कंट्री के पास कॉटन को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट की एडवांटेज है तो उसको वही
एक्सपोर्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इज योर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जो अभी हमने पढ़ा कि डेविड रिकार्डो ने दिए. अकॉर्डिंग टू हिम ऑल्सो एक कॉन्स्टेंट कॉस्ट रहती है, लेकिन वो कंपैरेटिव एडवांटेज की टाइप से चलती है, ना कि एब्सोल्यूट एडवांटेज की. तो जिस भी कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, मतलब रिलेटिव टर्म्स में एडवांटेज है, वो उसी को एक्सपोर्ट करेगा. नेक्स्ट इज योर मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और योर फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. दिस वॉज गिवन बाय हिक्शरोलिन थ्योरी, एंड इसमें वो ले रहे हैं 2x2x2, मतलब दो कमोडिटी ले रहे हैं, दो कंट्रीज ले रहे हैं और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं. दोज आर योर कैपिटल एंड लेबर. अभी जो कैपिटल ऑफ और लेबर है, इनके प्राइसेस पे एक्चुअली ये कहता है कि डिपेंड करेंगे कि कौन सी कंट्री क्या एक्सपोर्ट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, कोई कैपिटल सरप्लस कंट्री है, वो आपको एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल ओरिएंटेड जो भी आपके प्रोड्यूस होंगे. या और जो लेबर इंटेंसिव अगर कोई कंट्री है जिसके पास लेबर अबंडेंस में है, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को ही एक्सपोर्ट करेगा. सो नाउ वी कम टू नो कि एक ऐसा सिस्टम भी है जिसके अंदर वी आर टेकिंग कैपिटल एंड लेबर आल्सो इनटू अकाउंट, एंड दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम आवर अर्लियर थ्योरी कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी. नेक्स्ट इज योर लियोंटिफ पैराडॉक्स. अच्छा, लियोंटिफ पैराडॉक्स वॉज गिवन बाय वेस्ली लियोंटिफ, और उनके हिसाब से क्या हुआ, व्हेन ही वाज डूइंग अ एम्पिरिकल स्टडी रिलेटेड टू योर हिक्शरोलिन थ्योरी, ही गॉट टू नो कि यूएस जो कि एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, पर वो एक्सपोर्ट कर रही है लेबर इंटेंसिव जो भी गुड्स होते हैं. सो दिस वाज अ ब्रेकडाउन फॉर हिक्शरोलिन. ये इकोनॉमिस्ट काफी कंफ्यूज हो गए कि ये ऐसा कैसे हो रहा है. सो एक्सप्लेनेशन ये दी गई कि जो यूएस में लेबर भी है, उसके पास स्किल्स बहुत ज्यादा है. अब बिकॉज ऑफ मोर स्किल्स क्या हो रहा है, वो अब कैपिटल बन गए हैं. दे आर एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल. अब ह्यूमन कैपिटल होने से ये उसने ये एक्सप्लेनेशन की कि वो हिक्शरोलिन थ्योरी इज स्टिल इंटैक्ट, एंड नाउ यूएस इज अबंडेंट इन कैपिटल, बट दैट कैपिटल इज नॉट योर मशीनरी और एनीथिंग, इट इज एक्चुअली योर ह्यूमन कैपिटल. So, let's discuss the next part. Next part is your net barter or commodity terms of trade, which is given by PX divided by your PM, and gross barter terms of trade, that is equal to your QM by your QX. So, ये दोनों terms of trade बताती है, and these two concepts was given by Frank William Tossing. Next is your towards a new trade policy of development. This was given by Raul Prebisch. और ये कहते हैं कि because your developing countries are only supplying some primary goods, उससे क्या होता है, उसके terms of trade जो है long term में deteriorate ही करते रहते हैं. For a country like India, who is actually supplying food grains only, for example. तो ये जो फूड ग्रेन्स हैं, ये क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, प्राइमरी एक्सपोर्ट्स हैं. उसकी वजह से क्या होगा, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिटीरिएट करेगा, क्योंकि ये वाले प्राइमरी गुड्स की कोई भी ग्रोथ नहीं है. तो रॉल प्रीविश एक थ्योरी बताते हैं कि किस हिसाब से एक डेवलपिंग कंट्री को अपनी कोई भी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी लेनी चाहिए इन दिस बुक. Next is your trade creation and trade division theory. It is given by Jacob Weiner. अच्छा, ये वाला जो concept है, मैंने बहुत detail में अपनी जो international economics की video थी last वाली, उसमें अच्छे से cover किया है. Trade creation और trade division जो होता है, that is for custom union. So custom union, according to Jacob Weiner, एक ट्रेड डाइवर्जन थिंग भी हो सकती है, जिसके अंदर यू आर नॉट मेकिंग योर कस्टम यूनियंस वेरी एफिशिएंटली. अगर एफिशिएंट नहीं होंगे आपकी कस्टम यूनियन, फॉर एग्जांपल आप ऐसे एक कंट्री के साथ कस्टम यूनियन बना लेते हैं जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर गुड इज वेरी हाई, तो आपकी जो कस्टम यूनियन है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एफिशिएंट. नेक्स्ट इज योर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. इट वॉज गिवन बाय गस्टव कैसल इन द ईयर 1920. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो कि गॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है जो, दैट इज करेक्टली मैच विद टॉसिन, एंड योर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज रॉन्गली मैच विद जे एस मिल. आपको पता है कि ये गस्टव ने दी थी. सो दिस कम्प्लीट्स योर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पार्ट एज वेल. ये हम रीडन पे हैं क्योंकि हमें 10 days का एक ब्राउनी पीरियड मिल गया था फॉर आर प्रिपरेशन. सो ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोबारा ले लिया.
इस टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि यू कीप ऑन विद योर रिवीजन, कुछ भी नया नहीं पढ़े इस टाइम पे, एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है. एंड फॉर द लास्ट नाइन की 29th को आई वुड सजेस्ट कि शाम को आप रिलैक्स करें, ज्यादा कुछ रिवाइज करने की आपको जरूरत नहीं, ज्यादा प्रेशर ना लें, बहुत इजीली आप क्रैक कर लेंगे एग्जाम. प्लीज बी श्योर कि आपने रिवीजन इतनी की है, आपने तैयारी की है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो आप क्रैक करने वाले हैं. सो टेक इट इजी ऑन लास्ट डेज एंड आई वुडंट सजेस्ट यू टू डू एनीथिंग न्यू, जस्ट कीप अप विद योर रिवीजन पार्ट ओनली. अगर आपको लास्ट डे पे कुछ पढ़ने का लग रहा है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा पेपर वन की तैयारी कर लीजिए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच.